हेलो एवरीवन, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेयर इन्फिनिटिव को लेकर के हमने आपका जो टॉपिक है वो शुरू करना है। ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पे गलतियाँ होती हैं वो मैं क्लियर करूँगा, फिर आपको शायद गलतियों की गुंजाइश नहीं रहेगी। कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती हैं और यदि इसको आप देख लेंगे वीडियो को कम्प्लीटली तो फिर आपको कोई भी गलतियों की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जब मैंने आपको टेंसेस की पहचान सिखाई थी उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होती है। आज का टॉपिक है बेयर इन्फिनिटिव, तो ज़्यादा हमने लेंथी वीडियो नहीं बनानी है क्योंकि अलग अलग टॉपिक पे वीडियो अलग अलग बना रखी हैं, तो हर टॉपिक को हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है। तो ये भी आपको पता है कि भाई तीन वीडियो मैंने नॉन फिनिट की जो बनाई थी, तो भाई इन्फिनिटिव जो है इन्फिनिटिव के दो पार्ट होते हैं, इन्फिनिटिव के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? आपका फुल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि बेयर इन्फिनिटिव क्या है और फुल इन्फिनिटिव क्या है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार हम शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं, राइट? तो फुल इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इनका यूज नाउन के रूप में होता है। इन्फिनिटिव का जो यूज होता है मोस्टली नाउन के रूप में इनका यूज होता है। तो फुल इन्फिनिटिव आप जान गए हैं, टू लगा के बेस फॉर्म के साथ में जो बनती है उसको हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं, और ये होती है बेयर इन्फिनिटिव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट बात कि भाई इसका यूज जो है, आपने देखा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है और फिफ्थ फॉर्म भी यूज होती है एस या इज वाली। लेकिन जब आप उस सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डू और डज का यूज होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, राइट? तो आपने एक बात याद रखनी है, रूल नंबर फर्स्ट में आपको लिखवा रहा हूं, डू डज और डिड, रूल नंबर फर्स्ट इसको याद रखिए। कहीं भी आपको ये मिले डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मीन्स बेयर इन्फिनिटिव। आज हमने जो सीखा वो बेयर इन्फिनिटिव, ये मैं पहले सिखा चुका हूं टू इन्फिनिटी की पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। अभी देखना डू डज और डिड। अभी देखिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। आपने देखा होगा, मान लीजिए इसी सेंटेंस में मैं लिखूं आई गो टू स्कूल। अब इसमें ये गोज है, ऐसी इस वर्ब है और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है, इसमें तो फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है। अब मान लीजिए अब इसमें मैं इसको नेगेटिव बनाऊं, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ये जो मेन वर्ब थी आपकी है फर्स्ट फॉर्म हो गई है क्योंकि डज आ गया है। अब डज भी तो आपकी देखे तो वही पांचवी फॉर्म है, डू डी डन होता है, डूइंग और डज ये भी पांचवी फॉर्म है। मीन्स आपका जो अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, तो आपकी जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म हो गई है। तो ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ टेंसेस की पहचान में, तो डू डज और डिड, मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेंगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, गो बन जाएगा, अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। तो ये फर्स्ट फॉर्म ही आपकी जो है वो बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है। तो इसी को हमने देखना है कि मान लीजिए वैसे सिंपली जो है वो यूज वर्ब का जो आप यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव के रूप में वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो आपने देख लिया डू डज और डिड के साथ में कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब कितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल कोई भी हो, अब आप कहेंगे फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है,
क्योंकि वो विल के बाद में हो रहा है, विल ऑलरेडी एक मॉडल है, तो कोई भी मॉडल हो, विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट राइट। अब मान लीजिए और आते हैं इसमें डियर नोट, नीड नोट, नीड नोट, और आपका होता है ओट टू, ओट टू यानी यूज टू। तो हमने कहा विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट डेयर नोट नीड नोट ऑट टू यूज टू, ये सभी के सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, सभी के सभी मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स का काम करती हैं। तो इन सभी के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या है ये? बेयर इन्फिनिटिव। इन सभी के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमेशा याद रखना। मे टू रूल हो गए, डू डच और डिड, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जिसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। और यदि आप कोई भी मॉडल है, आप कुछ आदमी कहेंगे ऑट और यूज्ड जो है ये आपके मॉडल नहीं है, मॉडल ये अब है, आप कुछ आदमी कहेंगे इसके साथ में जो टू लगा हुआ है वो वर्ब के साथ में लगा हुआ, वो आपका जो है टू इन्फिनिटिव है, फुल इन्फिनिटिव नहीं, ये मॉडल है आपका ऑट टू और यूज्ड टू, ये आपके ऑलरेडी मॉडल है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स ही जब बनती हैं ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम करती है, सहायक क्रिया का काम करती है, ऑट टू और यूज टू, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब कुछ आदमी उस फर्स्ट फॉर्म को टू के साथ में जोड़ के कह देते हैं कि फुल इन्फिनिटिव है ये, मतलब ऑट के बाद में फुल इन्फिनिटिव आ गया, नो दैट इज रॉन्ग, उसको फुल इन्फिनिटिव नहीं कह सकते हैं, ये जो ऑट टू के साथ में लगा हुआ है ये ऑट और टू इकट्ठे हैं और इकट्ठे मिलकर ये आपका मॉडल्स का काम करते हैं, इसी प्रकार यूज टू। अच्छा कुछ आदमी कहेंगे डेयर, जैसे डेयर डेयर ऑलरेडी वर्ब है, नीड भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब जब है जब ये अकेले यूज होते हैं, यदि इनके साथ में नोट लगा हुआ है तो वहां पे ये मॉडल का काम करते हैं, नीड नोट और डेयर नोट आपका वर्ब का काम कर आपके जो है मॉडल्स का काम करते हैं। और यदि ये अकेले है, नोट नहीं लगा हुआ है, नोट नहीं लगा हुआ है तो आपका वहां पे ये मेन वर्ब का काम करते हुए मिलेंगे आपको, लेकिन इनके साथ में नोट लगा है तो डेफिनेटली फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि वहां पे ये मॉडल का काम कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर गलती नहीं होगी। तो सभी मॉडल्स, कोई भी मॉडल आपका हो तो सभी मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की जो है बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। देखिए रूल नंबर थ्री क्या है, देन एंड बट, ये आप देन देख रहे हैं, ये बट देख रहे हैं, इन दो शब्दों को देख लीजिए, हमेशा देन और बट के बाद में यदि वर्ब आएगी तो बेयर इन्फिनिटिव ही होगी, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मीन्स जब इनका अर्थ जो है एक्सेप्ट मिस की बजाय, एक्सेप्ट के सिवाय, इन एडिशन टू की बजाय, जब इसका अर्थ ये निकलता हो, जब देखिए ही कैन सिंग बेटर देन डांस, डांस की अपेक्षा वह गाना अच्छा गा सकता है, गाने का जो काम है वो अच्छा कर सकता है, के सिवाय, देन मीन्स की बजाय, किसकी बजाय, डांस की बजाय। अब देखिए द बेबी डिड नथिंग बट क्राई, मतलब सिवाय रोने के बच्चे ने कुछ नहीं किया, द बेबी डिड नथिंग बट क्राई। तो अब ये देन और बट आप देख रहे हैं इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज बेयर इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म, मीन्स इन एडिशन टू एक्सेप्ट, जब आपका अर्थ इस भाव में हो तब हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसके साथ यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। बेहतरीन पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वाई के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, मीन्स बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, लेकिन दो तरीके से, जब कोई फुली सिचुएशन करते हैं, फुली सिचुएशन अभी जानिए आप क्या होता है, फुली सिचुएशन करते हैं जब आपकी बेयर इन्फिनिटिव यूज होगी वाई के साथ में,
और जब कोई हम एडवाइस देते हैं तो वाई के साथ में नोट लगेगा, जब हम किसी को एडवाइस देने वाली कोई सेंस निकलती है तो वाई वाई के साथ में नोट लगा करके हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैंने चार पॉइंट लिख दिए, फुल एक्सप्रेशन के लिए दो लिख दिए हैं और दो आपके लिए। अब मान लीजिए हमें जर्मनी चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी ज़रूरत होती है, अब मैं ये कहूँ वाई परचेज थिंग्स, चीज़ें क्यों खरीदे, है ना, फुल क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन हम कब करते हैं, जब मान लीजिए हम हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम क्या कहेंगे, वाई परचेज थिंग्स। लेकिन परचेज आपका जो है ये बेयर इन्फिनिटिव परचेज तो नहीं है, डी तो नहीं लगा इसमें, बेयर इन्फिनिटिव यूज हुई है, फुल क्वेश्चन है। हमारे कहीं टूर पे जा रहे हैं, जो चीज़ें हमें टूर पे जाने के लिए चाहिए वो हमारे पास सारी हैं, तो क्या कहेंगे, वाई परचेज थिंग्स, फुलिश क्वेश्चन है, चीज़ें तो वैसे तो खरीदनी चाहिए लेकिन इस अवस्था में नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा, तो फुलिश क्वेश्चन। तो ऐसी अवस्था में हम वाई के साथ में बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाई वरी अबाउट द फ्यूचर। देखो फ्यूचर के बारे में हमेशा चिंता करनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी अवस्था बनी हुई है, बच्चे चिंता कर रहे हैं, चिंता चिता होती, चिंता करने से होता क्या, तो ऐसी अवस्था में उससे क्या कहेंगे, वाई वरी अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आपका काम हो करते रहिए, आप फ्यूचर के बारे में चिंता ना करें, जो होगा वो देखी जाएगी, लेकिन आपका जो काम आप करते रहिए, दैट इज फुलिश क्वेश्चन। तो ऐसी अवस्था में वाई के साथ में आपकी बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, वी वन। अभी नेक्स्ट है वाई नोट, नोट भले ही लगा है लेकिन इसमें भी आपकी बेयर इन्फिनिटिव ही यूज होना है, लेकिन ये सेंस क्या देता है, एडवाइस देने वाली जो सेंस है वो यहाँ पे प्रकट होती। देखिए व्हाई नॉट कॉल ए डॉक्टर, क्यों ना एक डॉक्टर को बुला लिया जाए। मान लीजिए कुछ कोई किसी के घर में हारी बीमारी हो गई, परेशानी है, इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, तो उसको सलाह देने के वाले के लिए, भाई क्यों बेकार में आप पापे नीम हकीम बन रहे, क्यों इसको सलाह दे रहे हो, क्यों ना डॉक्टर को बुला लिया जाए। तो ये एडवाइस का काम कर रही है। व्हाई नॉट कॉल ए डॉक्टर, कॉल आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज बेयर इन्फिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाई नॉट टेक ए फ्लाइट फॉर इंग्लैंड, अभी एडवाइस है, क्यों ना इंग्लैंड के लिए एक फ्लाइट ले ली जाए। मान लीजिए इंग्लैंड के पास में कोई कंट्री है जहाँ पे ट्रेन से भी जाया जा सकता है, जहाँ पे मैं मान लीजिए हम इंडिया में रह रहे, मैं जयपुर के लिए लिख दूँ, जयपुर हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, बाय कार भी जा सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक एडवाइस दी जा रही है, अभी जल्दी पहुँचना है, तो क्या कहेंगे, व्हाई नॉट टेक ए फ्लाइट फॉर जयपुर, टू जयपुर, टू दिल्ली। तो हम इसके लिए इस अवस्था में जब एडवाइस वाली सिचुएशन होती है तो वाई के साथ में नोट लगता है। वाई नोट का मतलब क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर लिया जाए, मीन सलाह देने वाली फीलिंग आती है, सेंस। तो ऐसे में हम उसका यूज करते हैं, तो बेयर इन्फिनिटिव रहेगी और ये सेंस जो है वाई नोट की आपकी निकलेगी एडवाइस वाली। और तो नेक्स्ट टॉपिक आपका पांचवा टॉपिक, एक्सप्रेशन सच एज हैड बेटर, वुड रादर देन, हैड सुनर देन, हैड सुनर। तो इस प्रकार के जो ये आपको जो एक्सप्रेशंस मिलती हैं, तो इसके साथ में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेयर इन्फिनिटिव का ही यूज किया जाता है। देखिए आई वुड रादर वर्क हार्ड देन गिव अप, इसकी सेंस देखना क्या निकलेगी, मतलब छोड़ने की अपेक्षा मैं ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहूँगा। आई वुड रादर वर्क हार्ड देन गिव अप, छोड़ने की बजाय। अब रादर वुड रादर को देखिए, इसमें वर्क है आपके सेकंड फॉर्म में, ये बेयर इन्फिनिटिव है, और देन के बाद में मैंने बताया था एक्सेप्ट की जो बात आती, तो गिव आपकी जो ये फर्स्ट फॉर्म में, ये भी आते दोनों तो आपकी जो है बेयर इन्फिनिटिव है। यहाँ देखिए यू हैड बेटर, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है, तो यहाँ पे सेंस देखना क्या निकलेगी, यू हैड बेटर लीव नाउ। अब नाउ आपका प्रेजेंट टेंस में आता है, नाउ अभी की बात है प्रेजेंट की, तो नाउ आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली थोड़ी सेंस शो कर रहा। देखिए You had better leave now. अच्छा होता कि आप अभी निकल जाते, मीन्स हम कह रहे हैं अब भाई जल्दी हो, कोई ऐसा आपके साथ दुर्घटना होने वाली, जल्दी निकलिए बाकी। तो यू हैड बेटर लीव नाउ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अभी निकल जाए, आपके लिए बहुत अच्छा होता कि आप अभी निकल जाए। तो इस सेंस में आपका जो हैड बेटर यूज किया जाता है, और आपकी वहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। नंबर सिक्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का ही यूज किया जाता है, देखते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। फील, किसी चीज़ को महसूस करना, हियर, मेक, फाइंड, बेट, वॉच, सी, ऑब्जर्व करना,
लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेयर इन्फिनिटिव यूज होती है, लाइक और नो मेन है ये आपके एटसेट्रा, इनके साथ में हमेशा ही आपकी बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। टू इन्फिनिटिव इनके साथ में बिल्कुल नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। बेयर इन्फिनिटिव आएगी इन वर्ड्स के साथ में, आपने टू इन्फिनिटिव का यूज कर दिया तो दैट इज रॉन्ग। देखिए, आई हियर हर स्क्रीम इन एंगर, मैंने गुस्से में उसको चिल्लाते हुए सुना। आई हियर हर, टू स्क्रीम नहीं आएगा। आई हियर हिम टू स्क्रीम, दैट इज रॉन्ग, टू नहीं लगेगा, इन्फिनिटिव तो है ही। देखो आपकी हियर आपकी सेकेंड फॉर्म आ गई मेन वर्ब, और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीम, आई हियर हिम स्क्रीम, तो ये आपके टू स्क्रीम नहीं लगाना है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। सीसा, उसने देखा हिम उसको, लीव अर्ली जल्दी निकलते हुए, तो यहाँ पे टू लीव नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आई बेड हिम, बेड होता है विदा करना, आई बेड हिम गो, मैंने उसको बाय बाय किया, मीन्स मैंने उसको विदा कहा। आई बेड हिम गो, आप देखें गो, आई बेड हिम टू गो, ऐसा कहना बिल्कुल गलत, ग्रामेटिकली दैट इज रॉन्ग। यही भी कुछ वर्ड है इनको रट लो, हियर है, सा है, बेड, इस प्रकार से लेट मैन सिट हियर। अब देखिए लेट आएगा तो लेट वाले वाक्य में आपका हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेट हिम गो, उसको जाने दो, लेट हिम कम, उसको आने दो, लेट मैन सिट हियर, मैन को यहाँ बैठने दो, तो ये सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनको याद रखेंगे हमेशा। द मूवी मेड मी क्राई, मूवी ने मुझे रुला दिया, तो मेड आपकी जो है मेक मेड, मेड ये सेकेंड फॉर्म आ चुकी है, और मी क्राई, अभी क्राई जो है आपके वर्ड की क्राई क्राइड क्राइड होता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही बेयर इन्फिनिटिव। तो ये कुछ शब्द हैं इनको रट लेना। आई हियर देम सिंग, अब तो हियर आ गया तो आपकी ये वर्ड फर्स्ट फॉर्म है, तो हियर देम सिंग, और ये जो मेन वर्ब है मोस्टली आपकी सेकेंड फॉर्म में यूज हुई आपको मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। आपके जो मेन वर्ब है मोस्टली सेकेंड फॉर्म में यूज हुई मिलेंगे, वहाँ पे फिर टू लगा के आपने इन्फिनिटिव यूज करना, नहीं वर्ड्स को आपने याद करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो से आपको बहुत ही एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी, जैसा कि मेरा मानना है कि मैंने अपने आप को आप लोगों को अपने दिल से टीच किया है, तो आपको बेहतरीन जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिली होगी बेयर इन्फिनिटिव को लेकर के, काफ़ी जो आपके दिमाग में पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके जुड़े रहने से ही हमारी हिम्मत बढ़ती है और हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपके लिए इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियोस ग्रामर के लेकर आते रहेंगे, हर बार कोई नया टॉपिक, एक या दो दिन में नई वीडियो आती रहती हैं, कोई ना कोई नया टॉपिक फिर आपको और आपकी इंग्लिश को एनरिच करने के लिए हम आते रहेंगे एनरिच इंग्लिश टीवी पर। थैंक यू।